मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ गेटिंग स्पेसिफाइड। अभी हम हैं अपने काजा वाले होम स्टे के बाहर, माउंटेन पैराडाइज होम स्टे। ये इस वाले होम स्टे में हम रुके थे। अब नाश्ता करके लोकल काजा के आसपास के विलेजेस को एक्सप्लोर करने का प्लान है। और रात को नींद बहुत अच्छी नहीं आई, बिकॉज शायद ऑक्सीजन लेवल कम था यहाँ पर और थोड़े से ब्रीदिंग इशूज़ हो रहे थे, तो साउंड स्लिप नहीं आई। बट ठीक है, अब आए हैं तो एक्सप्लोर तो करना ही है। सारा दिन रेस्ट करते रहेंगे तो फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल हमें वापस मनाली के लिए भी निकलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। डीजर में करेंगे पहले ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे हिक्किम लांगजा विलेजेस की तरफ। काफ़ी कुछ आज करेंगे। आज हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से लांगजा, लांगजा से हिक्किम, हिक्किम से कॉमिक और उसके बाद की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज, एंड देन मे बी या तो लोसर या फिर वापस काजा। देखते हैं क्या रहता है। आप साथ में बने रहिए और एंजॉय करिए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को। आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है। बहुत ही शानदार लोकेशंस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत ही सीनिक लोकेशंस को। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको एंड तक देखिए और प्लान बनाइए खुद को स्पेसिफाई करने का आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। तो आप ये कह रहे हो कि हमको आइडियली ताबो में एक रात रुकना चाहिए था यहाँ आने से पहले। ताबो तो पास ही है, मतलब वहाँ से आने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है वैसे भी। 2 घंटे यहाँ से ज़्यादा रास्ता तो था। डाउन में था ताबो। अच्छा, वो नीचे है थोड़ा। अच्छा, खतरनाक नहीं था कितना? तो एक्लिमेटाइज बेटर हो जाता है वहाँ पे एक दिन रुक के। आपने ग्रीनरी भी और मतलब थोड़ा सा। हाँ हाँ, वैसे तो बढ़िया था, मतलब फील करते हैं ना। अब जैसे मनाली से आते किसी को लग जाती है हल्की सी हाइट, लग जाती है, नींद नहीं आती, थोड़ा घबरा जाते हैं। उसमें पानी यूज करते रहो थोड़ा, नाश्ते जो मर्जी करो, आप भूखे नहीं रखना है ना, पेट के लिए पूरा दिन चलते रहो, गैस बन जाती है। और लिम का या सोडा कुछ भी लो आप, वो गैस गैस से ही हमारे को हेडेक होती है ज़्यादा ना। पेट ठीक रहेगा तो ठीक है। खाना तो जरूरी है, कुछ भी खाते रहो, बिस्कुट ले लो, रोटी ले लो, जूस ले लो, कुछ ना कुछ मुँह में डालते हैं, वो आपको जल्दी मतलब ये कर देता है। आपका क्या नाम है जी? टेकचंद। आप यही कहाँ से बिलोंग करते हो? मंडी से। मंडी से। जनवरी फरवरी मार्च वाले महीनों में ओपन रहते हैं सब? 12 महीने हो गए अब तो काजा। अच्छा, पिछले साल तो यहाँ रूम नहीं मिल रहे। तो जैसे यहाँ रोड पे बर्फ वगैरह रहती है, उसे क्लीन करते हैं या गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होती है? क्लीन करके, जैसे गली गुली में तो छत का गिर गया, छत खाली करना पड़ता है। जैसे मड हाउस है ना, हाँ, तो ये गर्म रहते हैं विंटर में। अच्छा, बीच में तंदूर लगा होता है, गर्म हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब गर्म रहता है। और जो दूसरा चल पड़ा हमारा, ये ठंडा रहता है। अच्छा, मड हाउस है, गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म। अब बड़ा प्रॉपर शहर यहाँ से पास में मनाली है, कोई और भी है? मनाली रिकांगपियो कल्पा, 200 किलोमीटर कल्पा है, 200 किलोमीटर मनाली है। और यहाँ जैसे, लेकिन इधर का रास्ता बेटर है, मनाली का खराब है। मनाली खराब, मनाली बंद हो जाएगा सर, अभी बर्फ गिरा कुंजम पास है। हाँ। तो बंद। अच्छा, फिर तो अक्टूबर के बाद की बात बता रहे हो? अक्टूबर के बाद अगर जैसे बर्फ गिर गया तो। काफ़ी इन्होंने हमको अच्छे से गाइड किया है, काफ़ी बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा काजा फर्स्ट टाइम है और हम थोड़े लंबे रूट से आ गए और बिना बीच में रुके आ गए। तो इन्होंने हमें गाइड किया कि बीच में ताबो रुकना चाहिए था, तो एक्लिमेटाइज बेटर हो जाते। तो इनसे बात करके काफ़ी बढ़िया लगा और मैं इनसे इनका नंबर लेके अपने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ूंगा। अगर आपको काजा में रुकना है इस होम स्टे में तो आप रुक सकते हैं। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्लीन होम स्टे है और आसपास और शॉप्स, मार्केट्स, खाने पीने के इंतजाम है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। गाड़ी पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक चंद जी, कुछ बताना चाहेंगे? सर थैंक यू आपका, मैं इसीलिए बोलो कि थोड़ा रेस्ट करते आओ और बढ़िया आराम से आओ और स्पीति का एडवेंचर करो। सो डीजर में ब्रेकफास्ट कर लिया है और गुड थिंग इज़ दैट कि हमारा जो होटल वहाँ पे रूम ऑलरेडी बुक था डीजर में, वो भी जैसा कि हमने कल उनसे बात करी थी, तो किसी और ने रूम ले लिया है, तो हमारा कुछ जो चार्जेस थे उन्होंने रिफ़ंड कर दिया है। एक्चुअली 4000 प्लस कुछ चार्जेस थे, तो उन्होंने माइनस टैक्स करके करीब 3300 के आसपास हमको रिफ़ंड किया है, विच इज़ गुड। हमारा थोड़ा लॉस कवर हो गया। अब यहाँ से लोकल काजा की साइट सीइंग करेंगे। तो सामने अभी खड़े हैं और निकल रहे हैं अब लांगजा की तरफ। लेट्स मूव ऑन।
अच्छा और इधर कहाँ जा रहे हो? अभी काम में जी, रोड में। अच्छा रोड पे काम करते हो? अच्छा 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 ओके। तो ये किस सीजन में, मतलब अभी अक्टूबर तक काम चलता रहता है ऐसे ही? ये तो बारह महीने चलते थे। ठंड सर्दियों में भी रहता है? सर्दियों में बर्फ के बीच में भी आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बर्फ हटाने के लिए? हाँ जी। अच्छा, लकड़ी वगैरह स्टॉक में रहते हैं। और खाने पीने का? खाने पूरा स्टॉक में रखते हैं। तीन चार महीने का स्टॉक करके रखते हैं? स्टॉक करके रखते हैं। और घरों में बंद हो जाते हैं सब? अच्छा, अब कोई तो नीचे जाते हैं रिवर्सर। अच्छा, बुजुर्ग लोग वहाँ जाते हैं। बेहद ही पथरीला रास्ता, नीचे गहरी खाई, उसमें बहती हुई स्पीति रिवर, पथरीले पहाड़, बहुत ही दुर्गम सा इलाका। देख सकते हैं आप रोड कंडीशंस, गाड़ी काफ़ी स्लो चलानी पड़ रही है हमको। करीब करीब हम 4000 मीटर की हाइट पर एलिवेट कर रहे हैं, इस वक्त एलिवेशन करने वाले हैं। हवा काफ़ी ठंडी है बाहर। अभी नीचे मेरे को थोड़ी सी गर्मी लगने लगी थी, तो आई थॉट कि मैं अपनी स्वेट शर्ट उतार के एक हाफ शर्ट पहन लेता हूँ, वो मैंने कर भी लिया, बट अब फील हो रहा है कि थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, तो शायद जैकेट डालनी पड़ेगी ऊपर। सामने से कुछ बाइकर्स आते हुए, और ऐसी रोड्स पे बाइक चलाने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। इस आनंद का लुत्फ हमने उठाया था अपनी लद्दाख की ट्रिप पर, लास्ट टाइम जब हम गए थे वहाँ पर। इस बार ये ट्रिप शॉर्ट थी, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कुछ ऐसा करने का प्लान कर सकते थे, बट मे बी दैट्स ड्यू फॉर द नेक्स्ट टाइम इन स्पीति। ऊपर से एक गाड़ी आती हुई, अभी यहाँ से टर्न पे सामने गाड़ी आने वाली है और हमें स्लो करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे रुक जाते हैं, ये गाड़ी आ गई है, इसकी पासिंग के बाद ही हम यहाँ से निकलेंगे। पीछे भी गाड़ी है, वो हॉर्न बजा रही है। यार थोड़ा सब्र करो ना, चल रहे हैं आराम से धीरे धीरे। नीचे से स्पीति रिवर का बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, और नीचे दूर एक छोटा सा गाँव बसा हुआ दिख रहा है। इट इज़ An awesome view. हमने देखी किस तरह से दोनों तरफ रोड के पहाड़ हैं, और ये राइट में जो चट्टान दिखाई दे रही है रोड के दूसरी तरफ, ये देखने में बड़ी बढ़िया लग रही है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है आप कमेंट्स में लिख के बताना। ये देखिए दिस वन। लांगजा के लिए जा रहे हैं अभी, और रास्ते में काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मिला है जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छे आ रहे हैं। आपको अभी वो शॉट्स देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो में। और रोड्स बहुत ही ख़राब हैं, व्यूज़ बहुत ही शानदार है, एकदम कंट्रास्टी, जितनी ख़राब रोड्स उतने ही शानदार व्यूज़। और मेरे पीछे बैक में आपको दिख रही होगी स्पीति रिवर, और उसके साथ वहाँ पूरा काजा विलेज जहाँ पर हम अभी रुके हुए थे, वहीं से हम अभी आए हैं। आगे लांगजा की तरफ चलेंगे। एयर थोड़ी थिन है, तो जरा बहुत भी एक्टिविटीज़ करने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो रहा है, सांस चढ़ जा रही है, और फिज़िकली शायद इतने फिट हैं भी नहीं हम लोग, तो ये तो है, बट व्यूज़ आर लिटरली ऑसम। जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, अभी हम थोड़ा सा दूर हैं हिक्किम से, जहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, और इन पहाड़ों के जस्ट पीछे एकदम ट्रायंगुलर काफ़ी ऊंचा पीक है जो कि स्नो कवर्ड है, और वो देखने में बीच बीच में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अगर अभी थोड़ी देर में दोबारा दिखाई देता है तो मैं उसका शॉट लेने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहुँच गए हिक्किम, जहाँ पर की है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे ये कुछ होम स्टेज नज़र आ रहे हैं, शायद यहाँ पर रुकने का सीन बन सकता है अगर किसी को रुकना है तो। और अगर मैं थोड़ा सा टर्न करके अपनी बैकग्राउंड में रोल करूँ, मूव करूँ, तो मेरी बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम विलेज का। एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर इसको देखना और फील करना कि आप एक ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, और वो दुनिया में कोई भी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर पोस्ट ऑफिस सबसे हाईएस्ट पीक पर है। सो गुड व्यू, गुड एक्सपीरियंस, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज स्टिल देयर। या तो जी, हवा बहुत ठंडी थी तो जैकेट पहननी पड़ गई है,
और मेरी बैकग्राउंड में यहाँ पर यह है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन हिक्किम विलेज ऑफ स्पीति वैली। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, आगे चलते हैं, टाइम कम है, दिन में अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, फिर लोसर भी पहुँचना है, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स लांगजा। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने में,